चली मार्स पे, चांद जमी पे बिख रहे हो। अरे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। दुनिया चली मार्स पे, चांद जमी पे बिख रहे हो। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ, अब 3D में सब दिख रहे हो। हजारों चढ़ गए एवरेस्ट का पहाड़, हजारों चल गए एवरेस्ट का पहाड़। भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ओ भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। कब तक ले गो तू पेड़ों की आड़। भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ओ भैया धाड़ 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 कर ले, अब तो टॉयलेट का जुगाड़। पब्लिक में भर दो लाज शर्म, सभ्यता यही सिखाए। घूंघट खींचो पेट तक, बैठो साड़ी उठाए। भाभी निकली तड़के तड़के, रस्ते खड़े लड़के रहता। इंदौर से हूँ, इंदौर सिटी राजमहला से, और स्वच्छ भारत मिशन में मेरा अच्छा योगदान रहा है। और यहाँ मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में खड़ा हूँ, दिल्ली म्यूज़ियम में मैंने देखा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्वच्छता है। और हर इंसान से मैं यही अपील करूँगा कि मोदी जी का साथ दें और अच्छी स्वच्छता और सफाई रखें। सभी लोगों से अपील करूँगा कि स्वच्छता में अपना योगदान दें, गीले कचरे को अलग रखें, सूखे कचरे को अलग रखें, कांच को अलग रखें, इन सब चीज़ों को छांट बीन के अलग अलग व्यवस्थाओं में रखें, ताकि इसका उपयोग करा जाए आपके शहर में। हमारा शहर में खाद बनती है गीले सूखे कचरे द्वारा, तो हमारा शहर इसलिए अव्वल नंबर में आता है। इंदौर शहर, मैं इंदौर शहर से हूँ, तो आप सभी शहरवासियों से मैं निवेदन करूँगा कि स्वच्छता में अच्छा योगदान दें, गीले कचरे को छांटें, सूखे कचरे को छांटें, कांच के बर्तन, प्लास्टिक, लोहा सब अलग अलग कर कर ही उसका योगदान रखें, सरकार को दें। नमस्ते, मेरा नाम वंदना कौरव है और मैं भोपाल MP से आई हूँ। यहाँ जो स्वच्छता दर्शन केंद्र है, इसको देखा मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें जो देख के वीडियोस हैं और जो भी फ़ोटो हैं, ये सारे देख के लोगों को बहुत सारा नॉलेज हो रहा है कि पहले के समय में किस टाइप से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था टॉयलेट के लिए, अधिकतर जिसमें कि महिलाएँ विशेषकर, जो कि उनको सुबह होने से पहले ही घर से निकलना रहता था और शाम को भी शाम ढलने के बाद ही जाना पड़ता था, क्योंकि वो लोग दिन में भी नहीं जा सकती थी और किसी ना किसी को साथ में लेके ही जाना पड़ता था। अकेले जाने में बहुत परेशानियां थी, साथ में बच्चे भी उनके साथ में, और उनको भी ले जाना तो बहुत ही मुश्किल काम था ये। और जो मोदी जी ने नया ये काम किया है, तो ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही उपयोगी है, ख़ासकर जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उन लोगों के लिए। ठीक, थैंक यू।